माय डियर फ्रेंड, यहां पर हम देखेंगे कि फास्को डील प्लस क्या है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये कैसे वर्क करते हैं। और फोर्थ स्टेप में हम ये समझेंगे कि फास्को डील प्लस को किस तरीके से डॉक्टर्स के चेंबर में रिप्रेजेंट करना है। माय डियर फ्रेंड, ईच 5 ml कंटेन फास्कोडीन इज ग्वाइफेंसिन IP 100 mg, डेक्सामेथासोन IP 10 mg, फेनिलएफरीन IP 5 mg, CPM और क्लोरोफिनामिन मेलेट IP 4 mg। Each 5 ml contains My dear friends, यहां पर हम देख रहे हैं फास्कोडीन प्लस के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें सबसे पहला है हमारा ग्वाइफेंसिन, सेकेंड है हमारा क्लोरोफिनामिन मैलेट जिसे CPM भी बोलते हैं, थर्ड है डेक्सामेथासोन एंड लास्ट वन है फेनिल एफरिन। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम देख रहे हैं फास्कोडीन प्लस के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सब माय डियर फ्रेंड्स, ग्वाइफेंसिन इज एन एक्सपेक्टोरेंट। ग्वाइफेंसिन वर्क्स बाय रिलीज वाटर इनटू द ब्रोंकी। द एयर पासेस ब्रांचिंग इनटू आवर लंग्स आर कॉल्ड ब्रोंकी। द रिलीज्ड वाटर थिंस द म्यूकस एंड लुब्रिकेट द एयरवे, फैसिलिटेटिंग द रिमूवल ऑफ कोल्ड, फ्लू एंड एलर्जी एसोसिएटेड म्यूकस फ्रॉम द चेस्ट बाय कफिंग एंड मेकिंग इट इजियर टू ब्रीथ। एक्चुअली ग्वाइफेंसिन की अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ग्वाइफेंसिन का सबसे पहले वर्क होता है कि जो ब्रोंकी होती है हमारे लंग्स में उसमें वाटर को रिलीज करता है और ये वाटर म्यूकस को थिन करता है अर्थात पतला करता है और उस रास्ते को लुब्रिकेट कर देता है अर्थात चिकना बना देता है जिस रास्ते से म्यूकस हमारे लंग्स से शरीर के बाहर निकलते हैं। इस तरीके से जब पेशेंट खांसता है तो बहुत ही आसानी से जो म्यूकस उसके लंग्स में है वो आसानी से निकल जाता है और पेशेंट को जहां पर अभी सांस लेने में दिक्कत होती थी उस दिक्कत को खत्म कर देता है और ब्रीथिंग आप आसानी से पेशेंट कर सकता है। तो यहां पर ग्वाइफेंसिन एज एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम कर रहा है और एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है एक ऐसे साल्ट्स जो म्यूकस को बाहर निकालने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर फास्कोडीन प्लस में जो ग्वाइफेंसिन पड़ा है यहां पर एक्सपेक्टोरेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्लोरोफिनामिन मैलेट और CPM। क्लोरोफिनामिन मैलेट इज एक्ट लाइक एंटीहिस्टामाइन। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इज ए कंपाउंड विच इज रिलीज्ड बाय सेल्स इन रिस्पांस टू इंजरी एंड इन एलर्जिक एंड इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड डायलेशन ऑफ कैपिलरीज। Finally, reduce allergy symptoms caused by allergies are the common cold, for example, sneezing, itching, watery eye and runny nose. My dear friend, यहाँ पर हम समझते हैं कि antihistamines का मतलब क्या होता है। लेकिन antihistamine को समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि histamine का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है स्लाइड में, histamine is a common कंपाउंड होते हैं विच इज रिलीज बाई सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। एक्चुअली एंटीहिस्टामाइन एक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं जब कोई एलर्जी या
कोई इन्फ्लामेशन एक्शन होता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है और कैपिलरीज का डायलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मरीज नाक से लगातार पानी आता है जिसको रनी नोज बोलते हैं, स्नीचिंग, लगातार छींक आती है, वाटरी आईज और आई से भी लगातार पानी आता है। लेकिन चूंकि सीपीएम, जिसे क्लोरोफिनामिन मैलेट भी कहते हैं, यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन की तरह काम करता है, अर्थात जो हिस्टामाइन्स रिलीज होते हैं उसको ब्लॉकिंग करने का काम करता है, और जब ये ब्लॉक कर देता है तो पेशेंट्स को ये जो सारे लक्षण हैं, छींक आना, वाटरी आईज होना, रनी नोज होता है, इन सभी से उसको निजात मिल जाती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सीपीएम यदि एंटी हिस्टामाइन है तो किस तरीके से पेशेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड करता है। डेक्स्ट्रोमेथार्पन एंटीटसिड। डेक्स्ट्रोमेथार्पन इज एन एंटीटसिव साल्ट। इट रिएक्ट ऑन कफ सेंटर और टस सेंटर विच इज सिचुएटेड इन अवर ब्रेन एंड स्टॉप द कफ फॉर्मेशन ऑर्डर विच इज कंटिन्यूअसली सेंडिंग बाई टस सेंटर टू लंग्स अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। और इन अदर वर्ड्स, डेक्स्ट्रोमेथार्पन डिसरप्टिंग द कफ रिफ्लेक्स which is guided by tus center. My dear friend, यहाँ पर dextromethorphan anti-tussive की तरह काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ समझने की जरूरत है कि anti-tussive का मतलब क्या है। Actually, हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको कफ सेंटर कहते हैं और इसे टस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इसका मेन वर्क क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो कुछ फॉरेन पार्टिकल, जिस धूल भी कह सकते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, कि श्वास के द्वारा हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। तो बॉडी क्या होती है, इसके प्रति रिफ्लेक्शन देती है। तो कफ सेंटर होता है, वो लंग्स को इंफॉर्मेशन देता है कि आप म्यूकस को बनाएं, जिससे क्या होगा, इस म्यूकस के साथ ये जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, इसके साथ एसोसिएट होके और जब पेशेंट खांसेगा, खांसने के द्वारा, बलगम के द्वारा ये बाहर निकल जाएंगे और लंग्स साफ हो जाएंगे। तो ये एक तरीके के हमारे लंग्स का रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसको गाइड करता है हमारा कफ सेंटर या टस सेंटर। अब चूंकि यहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथार्पन क्या है, एंटी टसेसिव है, अर्थात इस कफ सेंटर के अगेंस्ट काम करता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन लंग्स को मिलती है कफ सेंटर से या टस सेंटर से म्यूकस बनाने की, ये लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही होती है लंग्स को और ये लंग्स लगातार म्यूकस का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर अब म्यूकस बनने की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रोडक्शन लगातार जारी रहता है म्यूकस का। यहां पर डेक्स्ट्रोमेथार्पन क्या करता है, क्योंकि एंटीटसेसिव है, तो एंटीटसेसिव कि जो कफ सेंटर है जो लंग्स को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, इस इंफॉर्मेशन में ये बैरियर की तरह काम करता है, अर्थात कफ सेंटर से अब इंफॉर्मेशन को लंग्स तक पास नहीं होने देता, और जब ये इंफॉर्मेशन कफ बनाने की लंग्स को नहीं मिलती है तो लंग्स में म्यूकस बनना या कफ बनना बंद हो जाता है। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि डेक्स्ट्रोमेथार्पन एंटीटसेसिव होकर किस तरीके से, यदि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन म्यूकस में हो रहा है, किस तरीके से बंद करने का काम करता है। इसलिए डेक्स्ट्रोमेथार्पन को हम यहां पर एंटीटसेसिव भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, phenylephrine is a decongestant. Phenylephrine is a type of pharmaceutical drug that is used to relieve in the upper respiratory tract congestion. For example,
nasal congestion, problem in breathing. Actually, phenylephrine decongestant salt है. Decongestant का मतलब होता है कि जब cold infection, viral infection के द्वारा हमारे upper respiratory tract part में, हमारे नाक में जब congestion होता है और हम सांस नहीं ले पाते हैं, नाक हमारी बंद हो जाती है, तो फेनिलएफ्रिन वहां पर डीकंजेस्टेंट की तरह काम करके इस कंजेशन को समाप्त करता है और जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स होती है उसको फिनिश करने का काम करता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि फास्कोडिन प्लस के जो इंग्रेडिएंट हैं, इनका कंबाइंड एक्शन कितना अच्छा है और किस तरीके से ये फास्कोडिन प्लस को बहुत ही एक्सीलेंट और यूनिक कफ सिरप बनाते हैं। ग्वाइफेंसिन, ग्वाइफेंसिन यहाँ पर एक्ट करता है एज एक्सपेक्टोरेंट की तरह, अर्थात म्यूकस से बलगम को लंग से बाहर निकालने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोफिनमिन मैलेट, ये यहाँ पर एंटी एलर्जी की तरह काम करता है। अगर कफ का प्रोडक्शन किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है या कोल्ड की वजह से हो रहा है तो उस एलर्जिक सिम्टम्स को स्टॉप करता है, फिनिश करता है। डेक्सामेथॉर्फन यहां पर एक्ट करता है एंटी टेसेसिव की तरह, ये कफ के प्रोडक्शन को रोकता है। फेनिलएफ्रिन ये डीकंजेस्टेंट की तरह काम करता है और जो कंजेशन होता है हमारा नाजल में, नोज में, उसको फिनिश करता है। इस तरीके से ये चारों साल्ट मिलकर फास्कोडिन प्लस को बहुत ही यूनिक एंड एक्सीलेंट कफ सिरप बनाते हैं और जब इस कफ सिरप को पेशेंट लेते हैं तो उसके लंग्स सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, थैंक यू फास्कोडिन प्लस। इंडिकेशन ऑफ फास्कोडिन प्लस, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्टिव ट्रीटमेंट। फास्कोडिन प्लस जो प्रोडक्टिव कफ होता है बहुत ही क्वांटिटी में बन रहा होता है उसको रोकता है, मतलब प्रोडक्टिव ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है फास्कोडिन प्लस। प्रोवाइड रिलीफ इन सीजनल एंड एलर्जिक राइनाइटिस, यदि किसी एलर्जी की वजह से कफ का फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी रोकता है। मिनिमाइज इंटेंसिटी ऑफ कफ, कफ की इंटेंसिटी को मिनिमाइज करता है। रिलीफ फ्रॉम नाजल कंजेशन, अगर नाजल कंजेशन है तो उसको खत्म करता है, क्योंकि फास्कोडिन प्लस में ये चारों साल्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम समराइज रूप से बात करें तो फास्कोडिन प्लस इज वेरी इफेक्टिव इन एलर्जिक राइनाइटिस, प्रोडक्टिव कफ, कॉमन कोल्ड एंड कफ, एंड लास्ट वन ब्रोंकाइटिस एंड साइनाइटिस। Myself from Pharma India. Sir, as you know that Pharma India is the leading marketing company of India. Sir, my first one brand name is Fascodin Plus. Combination of dextromethorphan 10 mg, guaifenesin 100 mg, phenylephrine 5 mg and CPM 4 mg in syrup form. Sir, Fascodin Plus is a trusted brand of India in terms of result orientation as well as fulfill all the expectation of doctors. Sir, as you better know that combined action of guaifenesin as expectorant, dextromethorphan act as antitussive, whereas phenylephrine for decongestant and CPM play a vital role as a unique anti-allergic, sir. Sir, if you Fascodin Plus prescribe in case of allergic, cough, productive cough, bronchitis and common cold, sir, it will give you fast result in compare of other combinations, sir. My humble request for your valuable patronage for two prescription per day, sir, for Fascodin Plus.
Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.